हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टू, कैसे हैं आप? पिछले वीडियो में आम का पेड़ लेसन टू पढ़ के समझा दिया गया था, आपको समझ में आया होगा। अब उसे समझते हुए हम आगे के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। कठिन शब्द, एक शब्द को दो बार लिखिए उच्चारण के साथ। यहाँ पे पहला शब्द दिया हुआ है अमिया, यानी कि आम से छोटे, जो छोटे छोटे आम रहते हैं उसको अमिया बोलते हैं। ये भी हमने पाठ में आपको समझाया था। इस प्रकार से ये छह शब्द, इनका मतलब हमने आपको समझा दिया था पाठ में। अब इसे आपको कॉपी में लिखना है। प्रश्न उत्तर हल करने से पहले पाठ को एक बार समझ लें, देख लें और उसके आगे हम इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। अभ्यास द्वारा मौखिक प्रश्न मैं समझा रही हूँ यहाँ पे आपको। पहला प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है, पेड़ मन महसूस कर क्यों रह जाता था, मतलब कि पेड़ क्यों उदास हो जाता था। पेड़ पर लगे आम पकने से पहले ही बच्चे पेड़ की शाखाओं पर चढ़ते और कच्ची अमिया खाने के चक्कर में कई कमज़ोर डालियाँ तोड़ डालते। इस कारण बेचारा पेड़ मन महसूस कर रह जाता, उदास हो जाता। अगला अभ्यास हम यहाँ पर देखते हैं, अंत में पेड़ खुशी से क्यों झूमने लगा। तो यहाँ पे पेड़ खुशी से क्यों झूमने लगा, जब आम का पेड़ उदास था तब हवा ने पेड़ को समझाया कि यदि तुम जंगल जाओगे तो वहाँ तुम्हारे मीठे और स्वादिष्ट आम तोड़ने और खाने वाला कोई नहीं होगा। वही ज़मीन पर फल पक कर गिरे रहेंगे, खराब और सड़ने लगेंगे और चारों ओर बदबू के कारण तुम परेशान होंगे। जंगल के पंछी भी थोड़ा सा फल खाएंगे, ज़्यादा तो खाते नहीं हैं, कुतर के थोड़ा सा फल कुतर के खाएंगे और ज़मीन पर गिरा देंगे। इस वजह से बदबू आएगी और तुम परेशान होगे। यहाँ पर तो तुम्हारे मीठे और स्वादिष्ट फल, सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब फल लगे, कब आम लगे और हम उसे तोड़े और खाए। इस वजह से तुम इस बात को समझो कि तुम कितने विशेष हो इन लोगों के लिए। यह कहकर हवा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। पेड़ को हवा की बात समझ में आई। और जब कोई हमें अच्छी बात सिखाता है तो हम उसका धन्यवाद करते हैं, उसी प्रकार से पेड़ ने हवा को धन्यवाद दिया और खुशी से झूमने लगा। ये प्रश्न उत्तर हम कॉपी में लिखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, पेड़ की कमज़ोर डालियाँ कैसे टूट जाती थी, आप बताइए, सोचिए। मैंने तो यहाँ उत्तर लिख दिया है, बच्चे कच्ची अमिया खाने के चक्कर में कई कमज़ोर डालियाँ तोड़ डालते थे। दूसरा प्रश्न है, पेड़ घने जंगल में क्यों उगना चाहता था। उत्तर इसका है, ताकि उस पर ना कोई चढ़ता और ना ही उसकी टहनियाँ टूटती। ये पेड़ की सोच थी। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, जंगल के फलदार वृक्षों का बदन क्यों दुखता रहता था। उत्तर है, क्योंकि वह फलों से हमेशा लदे रहते थे। फोर्थ क्वेश्चन, चौथा प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, आम के पेड़ ने क्यों कहा, अच्छा बहन मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो इसका उत्तर है, क्योंकि जब हवा ने जंगल में लगे पेड़ों की तकलीफ बताई तो यह सुनकर आम के पेड़ ने कहा कि अच्छा बहन मैं ऐसा ही ठीक हूँ। किताब द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमने हल कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं, पेड़ से हमें कितने फ़ायदे हैं, पेड़ की छाया में हम खेल सकते हैं, पेड़ में लगे फल हम खा सकते हैं, ये अच्छी बातें हैं। पुस्तक का ये अगला अभ्यास आपको खुद से करना है, ये होमवर्क में हम पहले दे चुके हैं आपको। पुस्तक में यहाँ भाषा की बात देखेंगे। पहला है, ड और ढ में अंतर समझाइए, शब्दों को जोर जोर से पढ़िए। ड से बने शब्द और ढ से बने शब्द
आप वॉइस रिकॉर्ड करके हमको भेजेंगे। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ड से बने शब्द, पेड़, बड़े, तोड़, सड़ने, सड़ांध, पतझड़। ढ से बने शब्द, चढ़ते, चढ़, सीढ़ी, गढ़, पढ़ाई। दूसरा प्रश्न है, शब्द बनाइए। इसमें ये चार शब्द दिए हुए हैं। एक शब्द के आगे दार लगाना है। जैसे कि पहला शब्द दिया है फल, फल के आगे हम दार लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, फलदार। दूसरा है फूल, फूल के आगे हम दार लगा देंगे तो क्या शब्द बन जाएगा, फूलदार। तीसरा है शान, उसके आगे हम दार लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, शानदार। जायके, जायके के आगे हम दार लगा देंगे तो जायकेदार। इसी के बाजू वाले अभ्यास को हम देखेंगे। बीच में धन का चिन्ह दिया हुआ है। पहला शब्द और दूसरे शब्द को जोड़ के एक शब्द बनाना है। पहला है विशाल, धन, काय, तो इसको जोड़ के एक शब्द बनेगा विशाल काय। दूसरा है भीम, धन, काय, तो एक शब्द बनेगा भीम काय। वचन बदलिए, बच्चा, बच्चे, पत्ता, पत्ते, टहनी, टहनियाँ, शाखा, शाखाएँ। चौथा है शब्द पढ़िए, समझिए और ये लिखिए। रसीला, रसीली, रसीले। पहले वाले शब्द में आखिरी में आ की मात्रा है, बीच वाले में बड़ी की मात्रा है और आखिरी में ए की मात्रा है। इस प्रकार से पुस्तक में आपको हल करना है कि कहाँ आ की मात्रा वाले शब्द आएंगे, बड़ी की मात्रा वाले शब्द आएंगे और ए की मात्रा वाले शब्द आएंगे। पुस्तक में दिए गए आगे के अभ्यास आपको पिछले वीडियो में दे दिया गया है। होमवर्क कार्य में, गृह कार्य में, यहाँ पर लेसन 2 आम का पेड़ ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।